सोच रहे हैं कि बॉल को एक्सचेंज करा लिया जाए। अभी हम लोग देखने आए हैं गाड़ी, क्योंकि हमें नई गाड़ी चाहिए। चीज़ आपके भाई को ख़राब लगी थी वो लगी थी नजीबाद के स्टेशन में भाई, दूर दूर तक कोई शैड नहीं था यार। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं तकरीबन 10 बजे के आसपास, 10 बजे का टाइम हो रहा है और अभी हम निकल रहे हैं दुकान के लिए एंड उसके बाद हमें जाना है अपने सब्सक्राइबर से मिलने के लिए, जो कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा भाई, उसको मैंने अपना नंबर दिया था, उसके मैसेज पे मैसेज है कि भाई तुम आ नहीं रहे हो, आ नहीं रहे हो, उससे भी मिलेंगे चल के। और मेरे को सुनने में आया है कि प्रो राइडर जो लद्दाख गए थे वो वापसी भी आ गए। अभी आपने सिर्फ एक ही व्लॉग देखा होगा उनका, वैसे जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दो तीन व्लॉग देख चुके होंगे, लेकिन वो घर वापसी आ चुके तो कोशिश करेंगे अगर अंकल घर पे होंगे तो उनसे मिल के आएंगे। और साथ ही मैं आपको अगर मैं बताऊं तो हमारी जो थोर ग्लो बैट है इसका सामान फाइनली इंपोर्ट हो गया है इंडिया में, इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है इसका सामान, जो कि फाइनली अवेलेबल हमें इस बारी हो गया। तो फटाफट से चलते हैं, घर में थोड़ा सा धुआं धुआं हो गया तो खांसी आ रही, तो फटाफट से निकलते हैं और अपनी थोर को शोरूम छोड़ते हैं, देखते हैं कि शोरूम पे बुलाएंगे या फिर कहीं और बुलाएंगे। ब्रांच एक और ओपन कराइए, वैसे उन्होंने जहाँ प्रोडक्ट का घर है ना उसके थोड़ा सा आगे कराइए, तो सोच रहे हैं कि वहाँ पता करते हैं, क्या पता वहाँ पे उन्होंने सामान भिजवाया उसका। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम इसमें लगने वाला है और सोचेंगे कि इसको धुलवा भी दें उधर। ऐसे यार मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, आज ये फरारी पहने या फिर ये फरारी पहने, इसको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। तो भाई आज हम पहनेंगे स्पोर्ट्स वाले स्नीकर्स, नहीं पहनेंगे तो स्नीकर्स जो है भाई तुम जाओ और तुम आ जाओ। फाइनली अभी दुकान पे आने के बाद अब टाइम है चलने का, फोन कर दिया भैया को, भैया ने कहा है कि जो नई वाली ब्रांच हमने ओपन करी वहाँ पे ले लो साइकिल, तो पापा चलेंगे साथ में, तुम्हें अपना कैमरा वैमरा सेट कर लेता हूँ। सोच रहे हैं कि थॉर को एक्सचेंज करा लिया जाए, नहीं सही साथ देखते होगा तो करा लेंगे, बंदे इसको ठीक करा देना चाहिए। अभी हम लोग देखने आए हैं गाड़ी, क्योंकि हमें नई गाड़ी चाहिए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग गाड़ी वाड़ी देख करके, अभी मेको का बैग लेकर जा रहा हूँ मेरी मेको साइड में, तो अभी घर जा रहे हैं। अब बताता हूँ गाड़ी का क्या सीन है, गाड़ी पापा को पसंद आई है, लेकिन मेरे को जो पसंद आई है ना वो 1:10 वाली पसंद आई है, 1:10 यानी कि जो आपने पहली वीडियो में देखा होगा वो वाली मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी वाली में क्या है कि वो बता रहे हैं कि टैंक हमने आगे दे दिया तो स्पेस अच्छा है गद्दी में, लेकिन भाई मेरे हिसाब से पता क्या दिक्कत है कि अगर गाड़ी आगे से हिट होती है ना तो काफ़ी चांसेस हैं कि उसके टैंक पर बहुत फ़र्क आ सकता है, बीच में क्या रहता है ना इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो चक्कर है भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट अभी 2-3 शोरूम और चेक करना है पापा, जो उनसे भी अच्छी लगेगी विद इन 1-2 मंथ्स हम गाड़ी ले लेंगे। हमने सारी बुकिंग्स वगैरह देख लिया है, सारा अरेंजमेंट कैसा है, हाथों हाथ मिल जाएगी डिलीवरी, कोई वेटिंग नहीं है इस वक्त। वेटिंग पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक वाली में, वो पापा को समझ आ रही थी वैसे इलेक्ट्रिक वाली, लेकिन क्या था भाई इसमें वेटिंग है अभी 4-5 महीने की। और फिर इलेक्ट्रिक में क्या बात है ना, जो पेट्रोल होता है वो इलेक्ट्रिक मज़ा नहीं देती भाई, पेट्रोल में क्या है ना दबाग रहे तो इलेक्ट्रिक उतनी नहीं खींच पाती। अभी इलेक्ट्रिक का ज़माना आया है मगर इस हिसाब से इलेक्ट्रिक अभी झेल नहीं पाएगी यार सारी चीज़ें, तो देखते हैं कि कौन से हम लेने वाले हैं। एक बार आप भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में कि हाँ भाई ये वाली गाड़ी अच्छी रहेगी, तो सजेशन दे सकते हो, हम उसमें से चेक करेंगे कि हाँ वाली अच्छी है कि नहीं, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं, आराम से लेंगे भाई, क्योंकि गाड़ी लेना एक ऐसी चीज़ है कि उसमें पैसे जाते हैं अच्छे खासे, तो इसलिए भाई रुक करके संभल करके राय लेकर काम करना चाहिए, तो इसलिए आप लोग सजेशन दे सकते हो। हमें अभी टाइम खाना लेके दुकान जाने का एंड यहाँ पीछे तो भाई मेरे को नूर भाई छोड़ गए थे, एक्चुअली कहीं जा रहे थे वो कार से उधर छोड़ गए, एंड अभी हमें जाना है फिर पूरा रास्ते पैदल,
तो चलते हैं, और आज थॉर भी रिपेयर हो जाएगी तो स्पीड दिखाएंगे उसकी, स्पीड क्या स्पीड है आज। तो अभी हम, जैसा कि लोगों को पता है कि हम शॉर्टकट लेने के लिए इस वाले रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम स्टेशन से होते हुए निकलेंगे। तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम इस वाले प्लेटफॉर्म से गए थे, बट आज हम जब बाहर निकलेंगे तो इस वाले प्लेटफॉर्म से निकल के निकलेंगे। देहरादून से अच्छा स्टेशन कोई नहीं लगता है। यहाँ की देखो क्लीननेस, देखो बिल्कुल बढ़िया। सामने लोगों ने शेड बना रखे हैं भाई, देखो आराम से बंदा छाए में खड़ा होगा भाई। चीज़ आपके भाई को ख़राब लगी थी वो लगी थी नजीबाद के स्टेशन में भाई, दूर दूर तक कोई शेड नहीं था। यहाँ देखो ये सारा मतलब विदाउट शेड है, एंड इसके पीछे वाला सारा शेड वाला एरिया है जो कि बहुत आगे तक है। पूरी ट्रेन की ट्रेन मतलब उधर से स्टार्ट होती है, तो मतलब पैसेंजर अगर बैठा है ना तो बिल्कुल सेफली बैठा है, एंड शेड के नीचे बैठा है, पंखे चल रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है, टीवी लगे हुए हैं इनफैक्ट। तो बंदे को चाहिए क्या यार जब सब कुछ है ही। पहले मैं आपको बताऊँ, ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं था, इसको एक साल लगा था बनने में, बैटरीज वगैरह सारी सेट करी थी। ये भी थोड़ा सा नया बनाया था आगे तक, एंड उधर सारी रेलवे लाइन नई बिछाई थी और ये तो नया बनाई था गेरी वाला प्लेटफॉर्म। चेक करो शेड भी है और ऊपर पंखे भी चल रहे हैं, मतलब एकदम क्लीननेस वाली जो चीज़ होती है ना वो देहरादून में देखने को मिलती है सारी की सारी। मेरे को इसलिए जो है ना देहरादून अपना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद, एकदम बढ़िया क्लीननेस है भाई। सबसे पहले तो बंद हो जाए सिम सेम। अभी जा रहा हूँ यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर, एंड उसके बाद चलेंगे एलिवेटर से। अभी लिफ्ट से आ रहा हूँ। दिस इज आवर देहरादून रेलवे स्टेशन, एंड ये एलिवेटर। एक बार ही मैं सत साथ आया था, सत ने ये वाला बटन दबा दिया था गाइस, और मैं वहाँ रुक के जा करके उसके बाद हम भागे यहाँ से बड़ी देर। इट्स टाइम ऑन एलिवेटर, नीचे जा रहे हैं यहाँ से भी, चलते हैं फिर फटाफट से दुकान मिलेगी भाई, पैदल ही जाना है पूरे रास्ते। गाइस फाइनली अब शाम का टाइम हो गया है, 5:30 बज रहे हैं, और अब मैं जा रहा हूँ भाई वॉक करता हुआ साइकिल लेने के बिंदाल पुल पर, दुकान ज़्यादा दूर भी नहीं है तो फटाफट से। तो गाइस सैडली ये बिंदाल के पुल से वापसी लौट रहा हूँ। उसकी एक मेन रीज़न है कि जो शिप्ट्रा का लॉट हमने मंगवाया था जिसमें सामान आ रहा था हमारा, उसमें क्या हुआ कि जो एक शिप्ट्रा था ना, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं कि 8 स्पीड वाला है या 3 वाला जो साइड में होता है, वो ख़राब निकल गया। तो अभी भैया अरेंजमेंट करवा रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि आप एक काम करो मेरे को कल दोपहर तक का समय दे दो और कल दोपहर तक हम करवा देंगे। अभी फ़ोन पर बात करी पापा ने, फिर मेरे को कॉन्टेक्ट किया है। तो अभी क्या सीन है कि घर चलते हैं बस, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो रहा है, वरना आज आपको हाइपर राइडिंग करके दिखाता, थोड़ा मज़ा आता है यार आज, क्योंकि तीनों मतलब दोनों गियर सेट हो जाते हैं ना तो स्पीड फिर बहुत तगड़ी, बहुत मज़े की स्पीड आती है, मज़ा आ जाता है। और ये गोप्रो भी लगाना था यार उस पर, फिर और अच्छी स्पीड आती है। अभी देखता हूँ दोस्त से बात करके, अगर सीन बनेगा तो शायद प्रो राइडर के घर जाया जाए, वरना तो घर ही चल रहे हैं। वाह यार शाम की वाइब्स अलग ही होती है, तिरंगा इधर भाई, लाइट्स लाइट्स, बहुत प्यारा नज़ारा है इस वक्त। अभी स्टेशन में से निकलते हुए चलते हैं बस। अभी चेक करो भी कोई गाड़ी नहीं है ना, कितना खुला खुला है भाई स्टेशन हमारा, शायद जा रही है, देखो काफ़ी आगे निकल गई है। हम गलत थे गाइस, ये गाड़ी जो सेंटिंग पे आगे लगी है, एक्चुअली क्या हुआ कि पहले ये गाड़ी आई होगी तो इसको लेकर गए होंगे, फिर यहाँ से इंजन निकाला होगा, अब इसको दोबारा ला कर खड़ी कर दी है, और ये शायद 6 बजे निकलेगी यहाँ से ये गाड़ी, 6:30 बजे आसपास। भाई आज की जो ट्रेन थी ना, ट्रेन बेसिकली कैंसिल हो गई है, ये जो पीछे लग रही है ना, दिस इज अ कैंसिल ट्रेन। सुनो रद्द हो गई भाई, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ऐसा असुविधा जो होती है ना बहुत बुरी लगती है, और ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। जब हम सलमान भाई का जो रिश्ता था वो करके आ रहे थे, उस वक्त भी भाई हमारी ट्रेन हरिद्वार में आके कैंसिल हो गई थी, एंड बहुत मुश्किलों के बाद मुझे और मेरी बहन को अकेले यहाँ पर आना पड़ा था देहरादून, बहुत दिक्कत होती थी ऐसी सिचुएशन, चंडीगढ़ की ट्रेन भी कैंसिल हो गई थी ऐसी। तो गाइस आप लोगों की चीज़ बताता हूँ कि ये जो शूज़ मैंने पहने ना, एक्चुअली स्पोर्ट्स वाले हैं, और इसमें और पैरों में इतनी चुभन हो रही है ना भाई, बहुत ज़्यादा, देखो मतलब चलने में ना बहुत दिक्कत हो रही है पैरों में, बहुत ज़्यादा चुभन हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि भाई ये ऑफ रोडिंग वाले शूज़ जो अलग से आते हैं ना कैंपस वगैरह के, वुड लाइन के, ये वाले शूज़ नहीं है भाई, ये इम्पोर्टेड मंगवाए थे मैंने,
तो भाई इम्पोर्ट वालों में ज़्यादातर जो इम्पोर्ट होते हैं वो स्पोर्ट्स होते हैं, और स्पोर्ट्स भाई ऐसी जगहों के लिए नहीं है। बेसिकली मुझे भी चलना नहीं होता ज़्यादा, मैं साइकिल पर ही रहता हूँ। और थॉर कल तक वापसी कर लेगी भाई घर, थॉर इज़ बैक टुमारो। अब बहुत ही अच्छे गियर शिफ्टर्स हमने मंगाए हैं जो स्पेशल है, कुछ हट करके है वैसे। और भी रास्ता दिखा दो, रास्ता कितना अमेजिंग है। मोस्टली हमें जाना है इधर से, लेकिन मोस्टली जब मैं ऊपर से आता हूँ ना तो मैं उधर वाले रास्ते से आता हूँ, क्योंकि उधर से मेरा स्कूल का रास्ता पड़ता है। तो हाँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, एंड अभी हम जाएंगे इधर के रास्ते से। भाई ये एकदम ऐसा लग रहा है टनल टाइप, जैसे सांप सांप की सीढ़ी होती है ना, ऐसे चलता है बैठ कर ऐसा करके, इस तरह से मेरे को निकलना है। दोनों तरफ दीवार है, इधर भी दीवार आ जाएगी, इधर भी आगे जाके दीवार आ जाएगी। आगे दिखाता हूँ कैसा लगेगा। अब चेक करो भाइयों, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, यहाँ पर ना आवाज़ बहुत गूंजती है। और पता है शाम के बाद जहाँ पर सन्नाटा होता है ना, उस समय बहुत डर लगता है। वैसे तो ऊपर लोग बाग बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये ना एकदम मिडल में आ गया नीचे की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, ऐसा मैंने सुना भी है और काफ़ी बार रियलाइज़ भी किया है। अभी कल ही की बात बताता हूँ, कल मैं पेपर देके स्कूल से आ रहा था, एंड उस वक्त जैसे मैं इधर ऊपर वाली पटरियों पे मैं एंटर हुआ ना, जैसे मैंने पैर रखा एकदम, तो मुझे पीछे से ना धम करके आवाज़ आई। एंड मैंने सोचा कुछ ऐसी वैसी होगा, सामान वामान का काम चल रहा होगा। एंड जब मैं एकदम लास्ट वाले पॉइंट पर उधर पहुँच गया, तब भाई एकदम से फिर वही सेम आवाज़ आई। तो ऐसे आवाज़ आने का वैसे कोई मतलब था नहीं, लेकिन क्या ना दिल को तसल्ली देते हुए मैं उधर से निकल गया। एक्चुअली आप लोगों के साथ भी ऐसी होता हो कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मगर आप अपने दिल को ना रियलाइज़ नहीं कराना चाहते वो चीज़ें कि हाँ भाई ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो ऐसे सीन यहाँ पे होते रहते हैं। और पीछे भी देखो बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा है भाई, अभी अंधेरा भी हो रहा है, तो बस फटाफट से निकलते हैं इधर से। घर अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर। फाइनली गाइस अब घर आ गया हूँ, और तकरीबन टाइम हो गया 6:30 बजे के आसपास, और अब ट्यूशन जाने का टाइम है, तो इसलिए व्लॉग को एडिट करने का भी समय हो गया है। और आपसे भी बता दूँ कि कल जो थॉर के जो पार्ट्स हमने मंगाए थे, उसमें से एक जो ख़राब आया है, उसमें से एक भैया के कांटेक्ट में कोई था, तो उनके यहाँ से हम कल वो ले लेंगे, तो उनके यहाँ से वो अरेंज करवा दिया उन्होंने भैया ने। आप मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे बोला, समझ नहीं आ रहा होगा, भैया का कोई फ्रेंड है जिनकी साइकिल की दुकान है, तो उनके पास वो अवेलेबल हो गया है, तो कल लग जाएगा वो थॉर में, एंड थॉर ओके एंड फाइन हो जाएगी। सोच रहे हैं कि कल गद्दी वगैरह भी उसमें करवा ही दें। मॉडिफिकेशन तो बहुत सारी करानी है, मगर सामान नहीं मिल पाता, सबसे मेन दिक्कत ये है उसका भाई। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो उसको करना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाइम गुड बाय, एंड बिलीव योरसेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू।